क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल्स और इरैशनल्स। देखिए 2 माइनस रूट फाइव है, यहाँ पर रूट फाइव इज इरैशनल पार्ट है, तो टू इज रैशनल पार्ट है, तो रैशनल पार्ट में से इरैशनल पार्ट आप माइनस करोगे तो डेफिनेटली आपको इरैशनल ही मिलेगा। सो 2 माइनस रूट फाइव इज इरैशनल, 2 इज रैशनल पार्ट, माइनस रूट फाइव करोगे तो ये रूट फाइव इज इरैशनल पार्ट, तो रैशनल पार्ट में से इरैशनल पार्ट माइनस करोगे तो इरैशनल आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है, तो ये प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल होगा तो ये आपको मिलेगा 3, और 3 इज रैशनल। 3 इज क्या है? रैशनल। यहाँ पर क्या हो गया, इरैशनल पार्ट गॉट कैंसल्ड विथ ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द इरैशनल पार्ट वी आर गेटिंग द रैशनल पार्ट। हियर 2 बाय रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 7, यू सी रूट 7 इज इरैशनल, रूट 7 इज इरैशनल हियर, तो इरैशनल पार्ट्स आर गेटिंग कैंसल्ड, सो वॉट रिमेन्स हियर इज द रैशनल पार्ट। सो दो हियर रैशनल पार्ट इज नॉट गेटिंग डिटैच्ड, इट इज गेटिंग अटैच्ड, हियर इट इज गेटिंग डिटैच्ड बाय सपरैक्शन। हियर 1 बाय रूट 2, सी 1 इज अ रैशनल नंबर बट डिवाइडेड बाय इरैशनल नंबर इट विल बी अगेन इरैशनल, इट विल बी अगेन इरैशनल, क्योंकि रूट 2 इरैशनल है, तो 1 को इरैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो इरैशनल ही मिलेगा। 2 इंटू पाई, पाई इरैशनल है और उसको आप 2 से इंटू कर रहे हो तो फिर क्या होगा, वो भी इरैशनल होगा, यानी इरैशनल पार्ट को आप डबल कर रहे हो। अगर आप इरैशनल पार्ट को डबल कर रहे हो, इरैशनल पार्ट को अगर आप डबल कर रहे हो तो वो भी इरैशनल होगा, बिकॉज 2 बाय 2 इज रैशनल बट पाई इज इरैशनल, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इरैशनल नंबर इज अगेन इरैशनल। नाउ हियर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हाउ टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिस इज जस्ट लाइक प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स, हियर यू कैन राइट इट एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2, यू कैन राइट इट एज फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट, देन प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 इज 3 रूट 2, प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, हियर 3 इंटू 2 इज 6, प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, 3 इंटू रूट 2 इज 3 रूट 2, प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, 2 इंटू रूट 3 इज 2 रूट 3, प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, रूट 3 इंटू 2 इज रूट 6, सो इफ यू सिंप्लीफाई you are going to get this one. So what I did is first term of the first bracket multiplied by second bracket, second term of the first bracket multiplied by second bracket. So 3 into 2 is 6, 3 into root 2 is 3 root 2, root 3 into 2 is 2 root 3, root 3 into 2 is root 6. So this is how you can simplify. Now here if you see 3 plus root 3, 3 minus root 3. If you can have the idea of formulas ka agar aapke paas idea ho, तो देखिए आप फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, बिकॉज रूट 3 और 3 ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आएगा आपका 6, द आंसर विल बी 6 हियर, a plus b into a minus b. Sir, can we do this problem by this method? Yes, you can take first term of the first bracket multiplied by second bracket, second term of the first bracket multiplied by second bracket, and then also you are going to get the same answer. Here if you see root 5 plus root 2 whole square, if you want here you can use the formula first term plus second term whole square, that is equal to first term square plus 2 into first term second term plus second term square. That is first term means root 5, here first term means root 5, second term means root 2 and root 2 whole square. This if you simplify children, this is root 5 square, root 5 square is 5, plus into plus is plus, plus into plus is plus, 2 into root 5 into root 2 is root 10 and root 2 square is 2. So this becomes 7 plus 2 root 10.
7 plus 2 root 10 is the correct answer. Here again, first term minus second term, first term plus second term. Here one problem we have done it using formula. Let us do the second problem using this method. Can we get the same answer? Otherwise directly also आप कर सकते हो. डायरेक्टली भी करना है तो कैसे होगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म. ऐसा अगर है तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, सो दैट इज रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर. रूट फाइव स्क्वायर होगा फाइव और रूट टू स्क्वायर होगा टू, यानी फाइव माइनस टू कितना होता है, थ्री होता है. फाइव माइनस टू कितना होता है, थ्री होता है, बस इतना ही. रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference C of a circle to its diameter D, that is pi is equal to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How can you resolve this contradiction? देखिए, pi की value हम कहते हैं एक तरफ it is the ratio of circumference to diameter. तो circumference एक एक number है, diameter एक number है, तो p by q हो रहा है form में. मगर हम कहते हैं कि pi is invalid, pi is irrational होता है. यहाँ तो हम p by q फॉर्म में लिख रहे हैं. Why it is? क्या यह गलत है? गलत नहीं है. एक्चुअली pi की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम लोग 22/7 या फिर 3.14 वी टेकिंग इट. एक्चुअली द वैल्यू ऑफ pi इज नॉट 3.14. फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन वी आर टेकिंग इट. सो pi इज नेवर इक्वल टू 3.14, इट इज इक्वल टू 3.14592653 so on so forth. No number is repeating and it is non-terminating, non-recurring. But we usually teachers don't give you this much of big value. हम आपको क्या बोलते हैं, केवल 3.14 ले लो, इतना बड़ा value हम आपको नहीं देते हैं. और ये non-terminating है, non-recurring है. मगर इसको 22 को 7 से divide करोगे तो you will get 3.14. So calculation easy होने के लिए we are taking 22/7. इसलिए pi is always irrational. Actual value of pi is non-terminating and non-recurring decimal, but for the sake of calculation we take it as 22/7, which is not exactly value of pi. Pi is always irrational because the value is non-terminating and non-recurring.